हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिएक्शन ऑन पाक मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान अकेली ऐसी कंट्री है जिसको चाइना और ईरान की जो ट्रेड डील है उसकी रियलिटी पता नहीं है। बेसिकली शॉर्ट टर्म में कुछ भी एम्बिशन हो कि वो उनको ऑयल सस्ते प्राइस में दे देगा और बला बला जो भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके एम्बिशंस क्या हैं हर किसी को पता है कि वो एक डेट ट्रैप है। जस्ट लाइक कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया चाइना ने सीपैक, अब वो एक डेट ट्रैप बन चुका है। और कुछ दिनों बाद जब इनका उसका कर्जा वापस नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, कॉलोनी बन के रह जाएंगे, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। वही ईरान के साथ भी हो रहा है, तो इसमें वही डिस्कस किया इन्होंने और ज़बरदस्त इंडिया को भी इन्वॉल्व किया। तो आप वीडियो देखिए, और अगर आपकी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो कॉमेंट में लिखें प्लीज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड एन्जॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। ने बात की, सर चीन 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, इस बात का इम्कान है, इसकी कोई खास वजह समझ आती है सर? इतनी मेहरबानियां क्यों? इसमें जी दो वजूहात हैं, बल्कि तीन आप कह लीजिए। एक तो लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्फ के अंदर जाने का रास्ता एक ही है, और आपको याद होगा कि जब भी अमेरिका से ईरान का कुछ होता है चेकलिस्ट, तो ईरानी यही धमकी देते हैं कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे, वहां पे दो जहाज डुबोए तो वो स्ट्रेट बंद हो जाती है। तो एक तो ये इसको चाइना को वहां पे एक एक्सेस मिलती है, वहां पे उनको जगह मिल जाएगी, बंदरगाह उनके हाथ में आ जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ईरान के पास है तेल, तो वो सस्ता तेल लेने के लिए 25 साल का साथ ये भी मुआहदा करेंगे कि ईरान को रीपे करने में दिक्कत ना हो, वो जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें वो रीपे करने के लिए ईरान साथ साथ उनको तेल की तरसील करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां उनको तेल की तरसील 25 साल के लिए उनके लिए एक तरह की गारंटीड हो जाएगी। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इस खत्ते में इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा। यानी अगर आप देखिए कि गवादर पोर्ट अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स यूज नहीं करती तो वो ईरानियन पोर्ट की तरफ जाती थी, तो आज चाइना के पास गवादर भी होगा, ईरानियन पोर्ट्स भी होंगी, ज्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बारसूर चाइना का असर रसूख कबूल करना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से चाइना को अपना इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न तेल की शक्ल में, और फिर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन वहां मिल रही है, लिहाजा वो ये काम करना जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है कि हमें अगर ये 62 बिलियन डॉलर भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो कर्जा उतारने के लिए हमारे पास कोई तेल नहीं है कि हम चाइना को देते रहें, हम तो कमाएंगे तो देंगे, लेकिन ईरान के साथ एश्योर्ड है कि तेल का उनका एग्रीमेंट हो जाएगा और तेल लेते रहेंगे वहां से। सर, ये जो बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी छोटे कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपने आगाज में बात की कि तमाम लोग चाहते हैं कि चीन और भारत की जंग छिड़ जाए और चीन इनको मार लगाए, जरा सही से सबक सिखाए, तो सर इस वक्त ये लद्दाख का तनाजा हुआ, फिर नेपाल वाला मामला हुआ, अब ये चाबहार का मसला हो गया, सर ये बताइए कि क्या भारत तो इस पोजीशन में हमेशा रहता है, उसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार होता है, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि ये जंग छिड़ सकती है? और यकीनन ये अगर जंग छिड़ गई तो ये खत्ते के लिए नुकसानदेह होगी सर। देखिए, जंग छिड़े तो इंस्टेबिलिटी तो होती है, उसकी वजह से सारे खत्ते के ममालिक पे असर पड़ता है, लेकिन भारत इस पोजीशन में है नहीं। भारत ये सारा जो ऊंचा पुल बोलते रहे, इनके अंदर एक रौनियत, एक तकब्बर, ये चीजें थी जिसकी वजह से ये यूं लगता था कि बस फटते जा रहे हैं, ये कुछ करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि ये ना चाइना को फेस करने के लिए तैयार है ना पाकिस्तान को, इनकी तैयारी नहीं है। सो अभी ये होगा, ये अगले साल दो साल ये दबा के असलाह खरीदेंगे, पूरी दुनिया में जहां हाथ पड़ा ये असलाह खरीदेंगे, तैयारी करेंगे, और फिर डेफिनेटली अगर मोदी हुकूमत में रहता है तो मोदी एक ऐसा दहशतगर्द आदमी है जिसकी सारी सोच ही जंग की तरफ या शदत पसंदी की तरफ है। अगर कोई पुरमन आगे सर मैदान में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बॉलीवुड फोर्स तो अपनी तैयार करेंगे ना, वो वहां पर भरपूर उनकी तैयारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि ये जो हमारा ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है जहां से एक्सेसिबल है, खासतौर पे ग्वादर का इलाका, ये इनस्टेबल है, यहाँ पे दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ है और इनमें छुपने छुपाने की जगह है, लिहाजा दहशत गर्द यहाँ पे छुपते भी हैं और अगर आप एक्शन करें तो अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की तरफ चले जाते हैं। ये सिलसिला आपने देखा कि पिछले मेरा ख्याल है 6-8 महीने में ये कोई तीसरा चौथा बड़ा वाकया हो चुका है, और अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी। हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए ईरान से बातचीत करें ताकि उधर से सरहद बंद की जाए और ये लोग बच के जा ना सकें। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें
जरूरत होगी अभी फॉरेन ऑफिस की और फौज पाकिस्तान वगैरह के मिलके इसके ऊपर एक तो प्लान तय करने की, जी लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है उससे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसको जहां मौका मिलेगा वो ये कार्रवाइयां करेगा, और जब तक वो चाबहार से मुकम्मल तौर पे इनको निकाल नहीं दिया जाता, ये पैटर्नाइज करते रहेंगे इन दहशतगर्दों को। और मेरी तवक्को है कि ये जो उनको किक आउट किया है इन्होंने ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से, इसकी वजह से भारत बड़ी जल्दी वहां से निकाल दिया जाएगा। ऑल्दो भारत की कोशिश होगी कि अगर अगर रेलवे लाइन का किस्सा नहीं भी उनके हाथ आता तो चाबहार में कम से कम वो बैठे रहे, क्योंकि चाबहार में इनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 साल के लिए, तो ये 2 साल तो उन्होंने पूरे करने, जिसमें से मेरा ख्याल 1 साल गुजर चुका है और 1 साल ये रहेंगे, और इसके बावजूद इनकी कोशिश होगी इसके बाद भी कि ये यहाँ लटके रहें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहें। वो हमें ईरानियन से बात करनी चाहिए कि ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो मजीद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तय पा जाएगा, मगर इसमें फॉरन ऑफिस और फौज पाकिस्तान वगैरह की मिलकर कार्रवाई की जरूरत होगी। अच्छा सर, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं उनकी जानिब से भी अभी इसी तनाजुर में मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, वो इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कितना जल्द, जिस ऑपरेशन की जानिब आप खुद भी इशारा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कितना जल्द से जल्द यहाँ पर इसका आगाज हो जाना चाहिए सर? देखिए, बात यह है कि अगर तो टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं, फिर तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि टेररिस्ट को निकलने का रास्ता ना मिले। हमारे ऑपरेशंस में पहले जब सवात में किया तो वहां यही प्रॉब्लम हुई थी कि अफगानिस्तान का नूरस्तान का इलाका साथ मिलता है, और जैसे ही टेररिस्ट ने देखा कि उनको यहाँ पे या मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो वो भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब इन ममालिक में पहले से ही मौजूद हैं जो उनको पना भी देते हैं, उनके लिए सेफ हेवंस, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब मयसर होता है। ये चीज प्रिवेंट होनी चाहिए। अगर आप ऑपरेशन फौरन नहीं करेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का, वो फिर ये एक नासूर की तरह चलता रहता है, ये पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा हमें ऑपरेशन करने में जरा जल्दी करनी चाहिए।